आमतौर पर घर पर रहने वाली महिलाओं को किसी तरह का वेतन नहीं मिलता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ऐसा नहीं था। दरअसल मुगल शासन में रानियों, सहजादियों और हरम में रहने वाली स्त्रियों को वेतन दिया जाता था। इस काम की शुरुआत भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बाबर ने की थी। शाही हरम में प्रवेश करने वाली हर स्त्री को उसकी स्थिति के अनुसार आजीविका भत्ता दिया जाता था, जिसमें औरंगजेब ने बहन जहां आरा बेगम का नाम सबसे ऊपर आता है। जहां आरा बेगम का सालाना वेतन इतना था, ये जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे अधिक वेतन होने के बाद भी औरंगजेब उसका वेतन बढ़ाता गया। इस बात की जानकारी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की शोध पत्रिका इतिहास के अंक में एक विस्तृत लेख में दी गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस तरह मुगल बादशाह महिलाओं के लिए वेतन की व्यवस्था करते थे, इसका भुगतान कैसे किया जाता था। आमतौर पर शाही महिलाओं को नगद वेतन दिए जाते थे, वहीं जिन महिलाओं का वेतन अपेक्षाकृत अधिक होता था उन्हें आधी राशि नगद दी जाती थी, जबकि शेष राशि के बराबर जागीर और चुंगी के अधिकार दिए जाते थे। इस काम की शुरुआत बाबर ने इब्राहिम लोदी की माँ से की थी, जिन्हें जागीर के रूप में एक परगना आवंटित की गई थी। इसकी वार्षिक आय 7 लाख रुपए से अधिक थी। ये बात बाबर के बाद से ये सभी मुगल बादशाहों ने किया। वहीं जहां आरा बेगम के वेतन के बारे में बात की जाए तो शाहजहां की बेटी और औरंगजेब की बहन जहां आरा को मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिल गया था, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब आंकी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में जहां आरा को सालाना वेतन के तौर पर 7 लाख रुपए मिलते थे, जहां आरा बादशाह और भाई औरंगजेब की सबसे विश्वास पात्र थी, ऐसे में उनके वेतन में लगातार बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद उनका सालाना वेतन 17 लाख रुपए तक हो गया। मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा खर्चीली जहां आरा ही थी, जो बेहद शानो शौकत के साथ जिंदगी जीती थी, वहीं औरंगजेब की बेटी जेबू नीसा बेगम को सालाना 4 लाख रुपए वेतन मिलता था। लेकिन जब औरंगजेब अपनी बेटी से नाराज हो गया तो उसने यह रोक दिया। खास बात यह है कि मुगल काल में ज्यादातर बादशाहों की बेगम व्यापार में खूब दिलचस्पी लेती थीं, खास तौर पर विदेश के साथ होने वाले व्यापार में उनका अहम हिस्सा हुआ करता था, जिसमें नूर जहां सबसे आगे थी। विदेशों के साथ होने वाले कपड़ों और नील के व्यापार में नूर जहां पैसा लगाती और काफी मुनाफा कमाती थी। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।